रब्बिल आलमीन व व सलाम अला सय्यदुल अलहमदिल्ला अम्मा बाद फाऊजु उल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हदिल्ल आज नौ रमज़ान मुबारक हमारे सरों पर साया फ़िगन है हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह तल का ख्वाब और बब रैन से क्या मुराद है और हर रात में क्या मगफिरत की जाती है इस बारे में आज हम पढ़ेंगे हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह रहम फरमाते हैं रिवायत करते हैं कि रमज़ान शरीफ़ की पहली रात मुझ पर नींद ने गलबा किया बस मैंने जन्नत को देखा कि गोया वो एक ऐसी नहर जो कि मोती और याकूत से बनी है उससे करीब बैठा हुआ हूँ मैंने जन्नत की हुरों को देखा सूरज की तरह उनके चेहरे चमक रहे थे मैंने पढ़ा ला, ला मोहम्मद रसोल्ला सल्म तो उन्होंने भी कलमा तयबा पढ़ा और कहने लगे हम रमज़ान शरीफ में हमद करने वाले रुकू करने वाले और रुकू करने वालों के लिए हैं हुजूर सैयद आलमीन हजूर सैदलमीन शफीमदनबीन सलील वसम का इशाद ग्रामी है जन्नत चार किस्म के लोगों की मुश्ताक है कुरान पाक की तिलावत करने वालों की जबान के हिफाजत करने वालों की भूखों को खाना खिलाने वालों की और रमज़ान के रोज़े रखने वालों की बाबिर रैन से क्या मुराद है हदीस शरीफ बुहारी शरीफ के हदीस है हज़रत साहल बिन साद रजील से रिवायत है कि हज़ू रसूल करीम सलील वसलम ने फरमाया बेशक जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसको रैन कहा जाता है क्यामत के दिन इस रोजेदारों से रोजदार ही जन्नत में दाखिल होंगे इस दरवाजे से सिर्फ रोजदार दाखिल होंगे दूसरा कोई दाखिल ना होगा कहा जाएगा रोजदार कहाँ हैं फिर इस दरवाजे से कोई भी शख्स दाखिल ना हो सकेगा जन्नत के आठ दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है ये दरवाज़ा रोजदारों के लिए मखसूस है इस रोजदारों के लिए खासियत है कि जो इससे दाखिल होगा प्याज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी या उसको ऐसा शरबत पिलाया जाएगा कि जिससे प्यास खत्म हो जाएगी हजरत इब्ने मसूद रजीलन से रिवायत है ये भी अद तरगीब व तरहीब की हदीस है कि रसूल अक्रम सत फरमाया जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता जन्नत के रात जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी दरवाज़ा नहीं बंद किया जाता और जैनुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता पूरा महीना और शैतिन को बंद कर दिया जाता है और रमज़ान की हर रात एक पुकारने वाला पुकारता है कि हाँ और वो सुबह तक पुकारता रहता है कि है अ खैर के तलबगार और खुश रहो ऐ शर के तलबगार रुक जा और औरबरत हासिल कर है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मुझसे उसे बख्श दूँ है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा को कबूल करूँ है कोई दुआ का मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल किया जाए है कोई रिक्स का तलबगार कि हम उसे रिक्स के नवाज दें और जो जो सवाल किया जाता है अल्लाह तबारक तआला उस सवाल को पूरा फरमाता है और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला रमज़ान शरीफ में हर रोज़ अफ्तारी के वक्त साठ हज़ार गुनागारों को दो रख से आज़ाद फरमाता है जबकि ईद के दिन इतने लोगों को आज़ाद फरमाता है जितने तमाम महीने में आज़ाद फरमाता है यानी हर रोज़ साठ हज़ार के हिसाब से रमज़ान शरीफ में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं रमज़ान में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं रमज़ान में शैतिन जकड़ दिए जाते हैं रमज़ान में दुआएँ दर्जे कबूलियत रखती हैं रमज़ान में अफ्तारी के वक्त साठ हज़ार जहनमियों की मफफरत कर दी जाती है रमज़ान के बाद ईद का चांद नजर आने पर पूरे रमजान के जितने लोगों की मकफिरत तो वाले दिन होती है इस्लाम अगर तीस रोजों को चौबीस घंटों से जरब दिया जाए तो तीन सौ साठ घंटे बनते हैं और बकौले इतबा के इंसान के बदन में तीन सौ साठ रगे हैं अल्लाह तला ने माहिर रमजान अता फरमाया और फरमाया बंदे तीन सौ साठ सात अपने नफ्स को ख्वाहिशा से दूर रख ताकि 360 रगों को मैं अपनी रहमत और इनायत से पाक फरमाकर तेरा वो दिल जो तेरे जिस्म के रगों का मरकज महवर है इसे अपनी रहमत का मंजर अपने नूर का मतला और अपनी मारिफत का मगजन बनाओ और अपने कुर्ब की लज्जतों से सरफराज फरमा दूँ सहीदना जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह रजी फरमाते हैं कि हज़ूर अली सात ने इशारा फरमाया जब रमज़ान में कोई आदमी अपनी नींद से बेदार होकर अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर की हरकत किए बग़ैर रोज़े की तरफ़ बढ़ता है सहरी करता है तो अल्लाह तबारक ताली फरमाता है कि अल्लाह ताला तुझे बरकती और रहमतें फरमाए जब नमाज़ की नियत करके बंदा अपने बिस्तर से जुदा होता है तो उसके लिए बिस्तर दुआ करता है ए अल्लाह इस फ़रिश्ते मरफुआ यानी जन्नती फ़श अता फ़रमा और जब लिबास पहनता है तो लिबास दुआ करता है कि अल्लाह तबारक इसे जन्नती लिबास अता फ़रमा और जब जूते पहनता है जो दू, जूते दू, जूते दुआएं करते हैं जब बर्तन में खाना खाता है तो वो बर्तन उसके दुआएं करते हैं जब वजू करता है तो वो पानी उसके दुआएँ मफ़रत करता है दुआ है अल्लाह तबारक वाली हमें इन तमाम चीज़ों और बातों को समझ कर उस पर रमज़ान मुबारक में अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए वमा अली ना अलबलागुलमुबीन